फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पालक की खिचड़ी की रेसिपी। ये बहुत ही फटाफट बन जाती है और बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है। बच्चे पालक वैसे तो खाते नहीं हैं, लेकिन खिचड़ी में खा लेते हैं, इनको बहुत अच्छी भी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं खिचड़ी की रेसिपी। खिचड़ी बनाने के लिए मैंने पालक ली है, आधा किलो करीब ये पालक ली थी मैंने। तो इसको छांट के धो के छांटा है, तो इसकी डंठल जो मोटी थी उसको निकाल दिया है, और ये 300 ग्राम करीब बची होगी। और ये 3 हरी मिर्च और कुछ अदरक के टुकड़े 1 इंच करीब और कुछ गार्लिक, इन सभी चीज़ों को हम पेस्ट बना लेंगे। पानी कम से कम डालेंगे, अगर ना हो ना डालना पड़े तो बहुत अच्छा है। तो इन सब का पहले हम पेस्ट बना लेंगे। और ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को स्लाइस करके रखा है। घी, मस्टर्ड ऑयल, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा और चावल लेंगे। आप जो भी चावल लेना चाहें, कोई सेला चावल, पुलाव वाला कोई भी, या फिर बासमती चावल। तो ये मैंने 1 बाउल लिया है, इसको हम धो के रख देते हैं। ये 10 मिनट करीब इसको रख देंगे धो के, तो ये थोड़ा सा फूल जाएगा। तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेंगे, पालक वगैरह पीस के रख लेंगे। तो ये देखिए, मैंने चावल को धो के भिगो के रख दिया है। और कुछ हम ये सोया चंक्स भी ले सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी। आप अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, और मटर डालना चाहें तो मटर भी डाल सकते हैं, वो भी इसमें अच्छा लगता है। और नमक और ये हींग। तो चलिए अब हम इसको पीस के रख लेते हैं। तो अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें हम इसको डाल देते हैं, पीस लेते हैं। तो थोड़ा सा पहले पालक डालिएगा, जब थोड़ा सा पीस लेंगे तो इसमें स्पेस हो जाएगी, फिर उसके बाद और डाल के पीस लेंगे। पानी थोड़ा सा डाल लीजिए। ये देखिए, मैंने पालक, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट बना लिया है। मैंने गैस पे एक कुकर चढ़ाया है, इसमें हम डाल देंगे ऑयल और थोड़ा सा घी, दोनों मिक्स करके डालेंगे, इससे खिचड़ी का टेस्ट और अच्छा लगेगा। ऑयल और घी गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें खड़े मसाले कुछ डाल देंगे, अगर आपके पास हैं तो डाल लीजिए, वरना इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने बड़ी इलायची ली है, कुछ काली मिर्च और लौंग, इनको डाल देते हैं, और साथ में हम जीरा भी डाल देंगे 1 चम्मच, 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे। तो सारे मसाले खड़े वाले हो गए हैं, अब हम इसमें प्याज डाल के प्याज को भून लेंगे। और अब हम प्याज के साथ में ये सोया चंक्स भी डाल देंगे, इसको मैंने पानी से हटा दिया है, पानी निचोड़ दिया है, इसको भी हल्का सा साथ में भून लेंगे। ये देखिए, प्याज का कलर काफी चेंज हो गया है, काफी भुन गए हैं। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे, मिक्स कर देंगे, और अब हम साथ में ये पालक का पेस्ट भी इसमें डाल देते हैं। और इसको अच्छे से भून लेंगे। पालक हमको अच्छे से भून लेना है, जिससे इसमें कच्चापन न लगे। पालक अगर अच्छे से नहीं भुना होगा तो थोड़ा सा कच्चा सा लगेगा टेस्ट में। तो इसको हम अच्छे से भून लेंगे मीडियम टू स्लो फ्लेम पे। हमने इसमें हरी मिर्च तो डाली है, अगर आप ज्यादा तीखा पसंद करते हैं तो लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। ये देखिए, पालक मैंने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे, जो हमने धो के भिगो के रखे हैं। ये 1 कटोरी चावल है। और अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए। मैंने इसमें 2 चम्मच करीब डाला, छोटी चम्मच है। और अब हम इसको अच्छे से चावल को भी भून लेंगे थोड़ा। तो ये देखिए, चावलों को भी मैंने अच्छे से भून लिया है, 2 से 3 मिनट करीब।
अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो पानी हम एक हमने एक कटोरी चावल लिया था, तो दो कटोरी हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मिक्स कर देंगे। आधा कटोरी पानी और हम इसमें ऐड कर देंगे। और हम इसमें अब डाल देंगे गरम मसाला आधा चम्मच। मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें ढक्कन लगा देंगे। और इसमें दो सीटी लगा लेंगे, फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे। और दो सीटी आने के बाद फ्लेम बंद कर देंगे। और जब इसकी स्टीम निकल जाएगी कुकर की, उसके बाद ही हम इसको खोलेंगे। तो कुकर में दो सीटी आ गई है और मैंने गैस ऑफ कर दी है। जब तक कुकर की स्टीम खत्म होती है, इसको खिचड़ी को डेकोरेट करने के लिए हम टमाटर का एक फूल बना लेते हैं। ये मैंने टमाटर लिया है, इसको वॉश कर लिया है और इसको पहले हम हल्का सा कट लगाएंगे और फिर ऊपर का हिस्सा ऐसे इस तरह से हम छीलते जाएंगे, ऊपर का जो छिलका है। तो ये देखिए स्टीम निकल गई है कुकर की, अब हम इसको खोल लेते हैं। तो ये अभी देखने में हल्की सी गीली लगेगी, लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा चला देंगे तो ये सूख जाएगी। ये देखिए एकदम अच्छे से खिले खिले चावल बने हैं। इसको हम ऐसे चला देंगे और थोड़ी देर इसको ढक के रख देते हैं। अभी ये देखिए थोड़ी देर ऐसे ढक के रखने से भाप में थोड़ी और पक जाती है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। बहुत ही अच्छी और टेस्टी खिचड़ी बनी, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ऊपर से थोड़ा सा घी डाल देंगे और ये जो हमने टमाटर का फ्लावर बना के रखा है, इसको ऐसे रख देंगे, डेकोरेट कर देंगे। और थोड़ी सी धनिया की या पुदीना की पत्ती जो भी है आपके पास, उससे ऐसे गार्निश कर देंगे, तो देखने में अच्छा लगेगा। ये देखिए हमारी खिचड़ी बनकर रेडी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बगल में बेल आइकन आएगा, उसे ज़रूर प्रेस कीजिए अगली वीडियो की अपडेट के लिए। Thank you for watching video.